वेलकम टू मैथ क्लास जनरल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। लीनियर एक्चुअल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर जो हो वो वन हो, वन से ज्यादा ना हो, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे कोई हमारे पास पावर नहीं शो हुई, हमें पता है कि जहाँ पे कोई पावर नहीं है वहां पे वन पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो वन ही है, वन से ज्यादा नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक्स है, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस 5x को यहीं पर रहने देते हैं, ये वाला 2x को यहाँ पर ले आते हैं, ये राइट साइड पे है 2x, तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है ना, कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पे जाती है, इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव 2x है, इधर आके नेगेटिव 2x हो जाएगा ना। फिर क्या आ जाना है हमारे पास, इस 17 को यहीं पे रहने देते हैं और इस 4 को यहाँ पे ले आते हैं। ये राइट लेफ्ट से राइट साइड पे आएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाना है, ये नेगेटिव 4 हो जाना है। फिर क्या हो जाना है, 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, 17 में से 4 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर क्या आ जाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो x यहीं पे रहेगा, 13 यहीं पे रहेगा, 3 इधर रहते प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई और इधर आके राइट साइड पे आके इसने डिवाइड हो जाना, डिनोमिनेटर में आ जाना। ये डिवाइड हो भी जाता है, आपने फ्रैक्शन में लिखना है तो आप फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, और अगर आपने डिवाइड करके लिखना है इसको तो डेसिमल में आंसर आ जाना है, तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं और करके लिख लेती हूँ कि अगर आपको यही रिक्वायर है आंसर फ्रैक्शन में, तो यहाँ तक ठीक है, वरना आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 13 को अंदर रखो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 टाइम 9 होता है और 3 4 टाइम 12 होता है, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे यहाँ पर, जैसे ही जीरो लिया यहाँ पर ये जीरो उतारा नीचे और यहाँ पर पॉइंट आ गया। 3 कितने टाइम 10 होता है, 10 तो नहीं होता, 10 से छोटा 9 आता है, तो 3 टाइम हमारे पास 9 आ गया। फिर 1 आएगा यहाँ पे, 10 में से 9 को माइनस करने पे 1 आ रहा है, एक जीरो लिया यहाँ पे वो जीरो उतारा, फिर 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये माइनस हो के 10 आता जाएगा, 1 आता जाएगा, एक एक जीरो लेते जाएंगे तो 10 10 आता जाएगा, तो 4.33 आ रहा है। तो आप यहाँ तक स्टॉप कर दो, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन में चाहिए तो यहाँ तक लिख लेना, और अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए डेसिमल में, तो फिर इसको डिवाइड भी कर देना। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत सारी जो है इन पे वीडियोस बनाई हुई है इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व द इक्वेशन के नेम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक